हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अमीबा की जो पोषण होती है उस पोषण को पढ़ने से पहले हमने अमीबा के बारे में वहाँ पर रिव्यू दिया है, आपको उसके बारे में बताया है, तो उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर अमीबा की कौन कौन सी सारी चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे वो आपका मूवमेंट करता है, कैसे भोजन को वहाँ पर ट्रैप करता है और कैसे अपनी साइज में अंतर करता है, इन सारी चीज़ों को आप पिछले लेक्चर वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और दूसरी चीज़ें हम यहाँ पर अमीबा में पोषण, तो अमीबा पोषण पर आपके सामने ये फिगर है और इस फिगर में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ये आपकी जो अमीबा की हमने पांच पोषण की विधियों के बारे में वहाँ पर जिक्र किया था, और उस पांच पोषण की विधियों में सबसे पहले पोषण की विधियाँ हमारी हैं इंजेशन, जिसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। यहाँ पर इसको डिटेल में समझेंगे, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। अब यह अंतर्ग्रहण जो हमारी पहली विधि है, इस अंतर्ग्रहण प्रक्रिया में अमीबा किस तरह से भोजन को रिसीव करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अंतर्ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है, यहां इस फिगर में आप देखिए, यह हमारा अमीबा का फिगर है, और इस अमीबा के फिगर में आप स्पेशली देख रहे हैं कि यहां पर एक बड़ा केंद्रक, केंद्रक के साथ साथ यहां पर एक बड़ा आपका संकुचनशील लिप्तिका है, और ये संकुचनशील लिप्तिका के चारों तरफ सूक्ष्म कण पाए जा रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं आपका माइटोकांड्रिया। ये माइटोकांड्रिया इस अमीबा को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, और जो हमारी ये संकुचनशील लिप्तिका होती है, संकुचनशील लिप्तिका का मुख्य कार्य कि इनके बॉडी में आवश्यकता से अधिक जल का नियंत्रण करना, अर्थात इनके बॉडी में जितना जल चाहिए उसको ये अपने को उसको मैनेज करता है इनके बॉडी में, और आवश्यकता से अधिक जल को रिमूव कर देता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी खाद रिक्तिका भी हैं और कुछ जल गोलिकाएं भी पाई जाती हैं। इंजेक्शन प्रक्रिया में आप ध्यान से देखिए इस फिगर को स्पेशली, तो जब हमारा ये अमीबा इस अमीबा के कॉन्टैक्ट में, इसके संपर्क में जब भी कोई खाद्य पदार्थ आता है, तो यह अमीबा अपने कूटपाद को, इसमें एक कंडीशन और देखेंगे इंजेशन प्रक्रिया में, कि अमीबा के पास किसी प्रकार का माउथ नहीं होता, किसी प्रकार का मुख नहीं होता है, वो जिधर भोजन उसके कॉन्टेक्ट के संपर्क में आता वहीं से वो अपने कूटपाद को उठा लेता है और कूटपाद की सहायता से भोजन को ट्रैप कर लेता है, भोजन को पकड़ लेता है। तो यहां देखिए, जैसे ही इस अमीबा के संपर्क में यह भोजन आया, फिगर आपका इसमें देखेंगे, यहां पर यह इसका स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद इसको चारों तरफ से घेर लेता है, और इस स्यूडोपोडिया के द्वारा जो आपका भोजन को चारों तरफ से घेरने की प्रक्रिया होती, इसी को नाम देते हैं आपका फैगोसाइटोसिस। क्लियर? फिर से देखिए, हमने क्या बताया कि जब हमारा ये भोजन अमीबा के शरीर की सतह पर आता है, उसके कॉन्टैक्ट में आता है, उसके संपर्क में आता है, तो अमीबा की टेंडेंसी है कि जहां भी भोजन के मॉलिक्यूल दिखेंगे वहीं से क्या होता है, ये अपने बॉडी का या अपने कूटपाद को ये क्या करता है, वहां से निकाल करके भोजन को पकड़ लेता है। तो देखें, मॉलिक्यूल यहां पर है भोजन के, और यहां पर इस फिगर में आप देखेंगे कि ये इसके कूटपाद होते हैं, धीरे-धीरे क्या होता है आपका आगे की ओर उभर जाते हैं और उभर करके ये इस भोजन को पकड़ लेते हैं। तो भोजन को कूटपाद के द्वारा पकड़ने की प्रक्रिया को नाम देते हैं क्या आपका, फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर? अब यहां देखेंगे अंतर्ग्रहण में स्पेशली हो क्या रहा है कि अंतर्ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ उस जीव के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अर्थात भोज पदार्थों को जीवों के द्वारा अपने शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। क्लियर? यह अंतर्ग्रहण की परिभाषा है। अंतर्ग्रहण को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि जब भोज पदार्थ उस जीव के शरीर में फैगोसाइटोसिस के द्वारा या कूटपाद के द्वारा
उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसके शरीर में लाया जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका अंतर्ग्रहण। अब इस अंतर्ग्रहण प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोल हमारा कूटपाद का होता है। ये कूटपाद ये क्या काम करता है, इस भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, और घेरने के बाद ये क्या होता है, ये इसे सीधा खाद धाने में ला करके छोड़ देता है। तो जो हमारा यहाँ पर आपका ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ये भोजन को पकड़ा हुआ है, ये आपका भोजन के मॉलिक्यूल सीधा आपके खाद धाने में चले जाते हैं। अर्थात ये भोजन जो होता है यहाँ पर, ये जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा आपका पकड़ लेता है, ये बाद में खाद्य रिक्तिका में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं, जो हमारा ये अंतर्ग्रहण के बाद दूसरी प्रोसेस होती है हमारा पाचन प्रक्रिया। अब ये पाचन प्रक्रिया में स्पेशली आप देखेंगे यहां पर कि पाचन में होता क्या है, कि जो अमीबा के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, ये भोजन जो होता है ये आपका खाद्य रिक्तिका में एकत्रित हो जाता है, या कहो ले वहां पर आपका ये रुक जाता है, और रुकने के बाद क्या होते हैं आपका इन खाद धानी से, यहां पर देखेंगे जो हमारी खाद रिक्तिका, इन खाद रिक्तिका से डिफरेंट विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो होते यहां पर निकलते हैं, ये एंजाइम जो होता है इन खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है। अब कंडीशन ये देखना है, खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी आते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं, जटिल भोज पदार्थ होते हैं। अब उन जटिल भोज पदार्थों को ये खाद्य रिक्तिका से निकला हुआ हमारा एंजाइम इसे पचाता है, अर्थात इसके मॉलिक्यूल को तोड़ता है। जब ये मॉलिक्यूल आपका टूटता है तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। अब स्पेशली यहां पर जो हमारा कूटपाद ये आपका बना हुआ है, ये कूटपाद क्या होते हैं आपका, ये साइटोप्लाज्म जो इनके अंदर कोशाद्रव्य होता है, इसी कोशाद्रव्य जो होता आगे की जब उभरता है तो कूटपाद बनता है, जब वो कोशाद्रव्य अंदर की ओर इन्वर्ट हो जाता है, अंदर की ओर चला जाता है, तो कूटपाद आपका बिगड़ जाता है। अब एक कूटपाद जो हमारा आपका बन और बिगड़ रहा है, इस पर स्पेशली क्या होते हैं, ये अमीबा में स्पेशली आपका दिखाई देता है, और साथ साथ जो यहां पर ये आपका भोजन का ये भरा आपका ये भोजन की जो आपकी जो भोजन से आपका ये थैली है, यही थैली क्या होती है बाद में जो हमारी रिक्तिका होती है, यही आपकी टेम्प्रोरी स्टामक आप अमीबा कहलाती है, अर्थात अमीबा का ये हमारा आमाशय कहलाता है, अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से नहीं बल्कि अस्थाई रूप से ये जो हमारी खाद्य रिक्तिका है, इस खाद्य रिक्तिका को हम क्या नाम देंगे, ये आपका अमीबा का आमाशय कहेंगे, यहां पर हम दे सकते हैं इसको नाम खाद्य रिक्तिका को अमीबा का आमाशय, अमीबा का क्या है आमाशय, और ये आमाशय में भोजन जो होता है आकर के इकट्ठा हो जाता है। अब यही पाचन प्रक्रिया में इसी आपका खाद्य रिक्तिका से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इस भोजन को तोड़ते हैं, भोजन जो होता है हमारा जटिल पदार्थ से होकर के सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, क्लियर। और जब ये परिवर्तित हो जाता है तो उसी प्रकार उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं क्या आपका पाचन। तो यहां पाचन में हम डिफाइन कर सकते हैं कि इन केस ऑफ अमीबा, अमीबा में क्या होता है कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल खाद्य पदार्थ एंजाइम की सहायता से, मतलब पाचक एंजाइम की सहायता से वो आपका सरल और घुलनशील अणुओं में टूट जाते हैं, उसी को नाम देते हैं आपका पाचन, क्लियर। तीसरा स्टेप हमारा यहां पर होता है अवशोषण। अब ये पाचन के बाद ठीक तीसरा स्टेप आपको मिलेगा अवशोषण। ये अवशोषण प्रक्रिया में होता क्या है, यहां से जो हमारा ये पचित भोज पदार्थ, जो ये आपका एंजाइम के द्वारा पचाए गए भोज पदार्थ होते हैं, ये जो आपका सिंपल अणुओं में यहां पर टूटा हुआ होता है, ये खाद्य रिक्तिका से निकलकर सीधा इसकी कोशाद्रव्य में जाकर के मिल जाते हैं, अर्थात यहां पर विसरण प्रक्रिया चलती है। ये पाचन के बाद जो आपकी प्रक्रिया चल रही है उसे हम नाम देते हैं आपका अवशोषण। और अवशोषण प्रक्रिया में होता क्या है, आप ध्यान दीजिए, यहां जो पचित भोज पदार्थ है ये क्या होते, विसरण प्रक्रिया के द्वारा निकल करके इसके कोशाद्रव्य में
अवशोषित हो जाता है, इसके कोशिका द्रव में पहुंच जाता है, मतलब यहां पर ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। और कंडीशन क्या होती है कि इसमें स्पेशली जो हमारे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है कि जब आपका यहां पर ये आपका विसरित हो जाता है तो इसके अंदर जो और खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं ये धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। अब यहां देखो विसरण एक बार आया है, विसरण प्रक्रिया, विसरण क्या होता है तो विसरण में आप नॉर्मली समझ लीजिए कि जो यहां पर इसके खाद्य रिक्तिका में बना भोज पदार्थ होता है, इस बने भोज पदार्थ की सांद्रता यहां पर अधिक होती है और इसके कोशा द्रव्य में इसकी सांद्रता कम होती है, अर्थात यहां पर भोजन की कमी है और यहां पर भोजन की अधिकता है, तो ये भोजन के अणु जो होते हैं अधिक से कम की ओर जाने लगते हैं। जब ये अधिक से कम की ओर जाने लगते हैं तो वही कह रहा था आपका विसरण। और यहां देखो कि स्पेशली यहां जो आपकी तीर शो कर रहे हैं, जो हमने यहां पर दर्शाया है, यही दर्शा रहा है कि यहां पर जो भोज पदार्थ है, ये भोज पदार्थ जो होते हैं इस खाद्य रिक्तिका से निकल करके इसके कोशा द्रव्य में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया होगा उसे हम नाम देते हैं आपका अवशोषण। अब अमीबा में अवशोषण को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पचित भोज पदार्थ, यहां पर देखो ये सेकंड टॉप में आपका पाचन जहां हो रहा है, इसका पचित भोज पदार्थ, ये पचित भोज पदार्थ अमीबा के कोशिका में विसरित हो जाता है, उस प्रकार की क्रिया को हम नाम देते हैं अवशोषण। अवशोषण में स्पेशली आप ये बताएंगे कि अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पचित भोज पदार्थ ये अमीबा के कोशिका में विसरित तो हो जाता है, उस प्रकार की प्रक्रिया को नाम देते हैं अवशोषण। क्लियर, ये तीसरी प्रोसेस रही। अमीबा में पोषण की चौथी जो प्रोसेस है उसे हम नाम देते हैं आपका स्वांगीकरण। ये स्वांगीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, यहां पर देखो अमीबा में जो आपका ये पचित भोज पदार्थ जब ये निकल करके कोशा द्रव्य में पहुंच जाता है, कहां पहुंचता है कि इस रिक्तिका से निकल करके कोशा द्रव्य में जब पहुंच जाता है तो इनमें जो कोशा द्रव्य होती है उस कोशा द्रव्य में जब जैसे ही भोजन पहुंचता है तो भोजन में जो आपके कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे अणु होते हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे अणु होते हैं, जो वसा के छोटे छोटे अणु होते हैं, ये इस जो अमीबा की कोशिका होती है उसको ये पोषण देते हैं, उनको आपका नरिशमेंट देते हैं, साथ साथ अमीबा की कोशिकाओं में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चलता है जिससे कोशिकाओं का बंटवारा होता है, और कोशिकाओं का बंटवारा होता है तो ये कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होती है आपकी बढ़ती हैं और अमीबा की साइज भी आपकी वृद्धि करती है, अर्थात अमीबा भी अपनी साइज में बढ़ोतरी करता है। क्लियर, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, स्वांगीकरण कहते किसे हैं, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो यहां देखिए अमीबा के केस में कि स्वांगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वांगीकरण में एसिमिलेशन होता है, इसमें आप बता सकते हैं कि स्वांगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पचित भोज पदार्थ ये कोशिका में विसरित होकर के इन कोशिकाओं को मरम्मत वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसी को नाम देते हैं आपका स्वांगीकरण। मतलब कि यो अवशोषण प्रक्रिया में निकले भोज पदार्थ, ये भोज पदार्थ क्या होते हैं इसी अमीबा को ये आपका एनर्जी, ठीक, साथ साथ इनको पोषण और इनमें भी क्या होता है आपका मरम्मत, जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती उनको मरम्मत करते हैं और साथ साथ इनको वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो स्वांगीकरण प्रक्रिया में आप ये कह सकते हैं कि स्वांगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोज पदार्थ इस अमीबा को ऊर्जा देता है, साथ साथ इनकी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है और इन्हें वृद्धि के लिए भी आपका सहायक होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, इसमें हमारी जो सबसे लास्ट वाली पॉइंट है वो है मल परित्याग। अब अमीबा ये अंतर्ग्रहण से होकर के इसकी सारी प्रोसेस जो होती है अवशोषण, स्वांगीकरण और आपका लास्ट वाला टॉपिक हमारा मल परित्याग, जिसे हम इजेशन कहते हैं। अब इजेशन प्रक्रिया में अमीबा में होता क्या है कि जो यहां पर आपका अमीबा, हाँ अमीबा के पास स्पेशली हमने बताया कि शुरुआत में अंतर्ग्रहण प्रक्रिया में बताया कि उसके पास कोई मुख नहीं होता है,
और यहां पर देखेंगे मल परित्याग प्रक्रिया में यहां पर भी इसके पास कोई एनस कोई गूदा नहीं होती है। अब ये कह रहे हैं एनस और गूदा नहीं होती है तो निकालता कैसे अपने जो इनमें बेस्ट पदार्थ होते हैं जो इनके बेकार पदार्थ होते कैसे निकालेगा। आइए यहां पर देखते हैं कि जो हमारा स्वांगीकरण प्रक्रिया के बाद जो इस अमीबा के अंदर अपचित भोज पदार्थ होते हैं ये अपचित भोज पदार्थ पहले एकत्रित होते हैं उसके अंदर साइटोप्लाज्म में इकट्ठा होते हैं। जब इनकी मात्रा इकट्ठा हो जाती है तो अमीबा की जो आपकी ये पेलकिल मेम्ब्रेन होती है ये आपका रप्चर कर जाती है, सडनली टूट जाएगी, कहीं से टूट सकती है इसमें कोई गारंटी नहीं है, ये कहीं से भी टूटने के लिए आपका अपने को मैनेज कर सकता है, इसलिए क्योंकि इनमें आपका पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, जैसे टूटेंगे वैसे ही अपने बॉडी को जोड़ भी लेता है। तो यहां पर स्पेशली मल परित्याग में आप ये बताएंगे कि जो यहां पर आपका अपचित भोज पदार्थ है जिनमें किसी प्रकार कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, क्लियर, ये अपचित भोज पदार्थ पहले एकत्रित होता है और जब ये अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है तो जो इनकी भी क्या होती मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा लेमा जो होती है ये सडनली अचानक टूट जाएगी। जब ये टूट जाती है तो जो इसके बेकार पदार्थ होते हैं ये बेकार पदार्थ आपका बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो बाहर निकल जाते हैं इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं मल परित्याग या बहिक्षेपण कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मल परित्याग या बहिक्षेपण। तो हम बहिक्षेपण या मल परित्याग को कैसे परिभाषित करेंगे अमीबा के केस में, यहां पर देखिए कि जब अपचित भोज पदार्थ अमीबा के शरीर से आपका बाहर निकल जाता है उस प्रक्रिया को नाम देते हैं इजेशन या मल परित्याग या उसे बोलेंगे आपका हम बहिक्षेपण कहते हैं, क्लियर। अब हमारी बात एक और गौर सुनिए कि जो ये अमीबा में पोषण की सारी प्रक्रिया आप यहां डिटेल में पढ़ रहे हो, अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण और ये हमारा मल परित्याग या इसे हम बोलते बहिक्षेपण, ये सारी प्रक्रियाएं अमीबा के केवल एक ही सेल में हो रही हैं। ध्यान रखना इस बात को कि अमीबा के एक ही कोशिका में सारी प्रोसेस आपकी रन कर रही है क्योंकि वो एक कोशिकीय एनिमल है, उसके पास उसके अलावा कोई और कोशिका नहीं है, इसलिए वो एक कोशिका में ही अपनी सारी प्रक्रियाओं को मैनेज कर रहा है। अब देखेंगे कि जो हमारा ये भोजन का इस अमीबा के पास में आना, फिर भोजन को यहां पर पकड़ना, पकड़े गए भोजन को आपका पचाना, पचे गए भोजन को पचाए गए भोजन को अवशोषित करना, अवशोषित किए गए भोजन का स्वांगीकरण करना और स्वांगीकृत जो भोज पदार्थ होते हैं जो बेकार होते हैं किसी काम के उसके बॉडी में नहीं होते हैं उसे ये क्या काम करता है, रिमूव कर देता है। ये जो चार पांचों प्रोसेस यहां पर अप्लाई हो रहे हैं, यहां पर दिख रहे हैं, ये सभी आपका अमीबा में चलता है और अमीबा आपको पता है कि जलीय एनिमल है, मतलब ये जल में रहने वाला होता है, जल में स्पेशली पाए जाते हैं, न बहते हुए जलों में पाए जाते हैं, ये सारी प्रक्रिया आपकी जल में ही होंगी, क्लियर, क्योंकि जल के कांटेक्ट में सूक्ष्म पदार्थ आएंगे और सूक्ष्म पदार्थ जैसे ही आते हैं अमीबा के पास में ये अमीबा क्या काम करता है उसको एक बार अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा पकड़ लेता है और स्यूडोपोडिया के द्वारा पकड़ेगा तो वो पकड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। और उसके बाद उसमें जो आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहां पर देख रहे हैं ये अमीबा में ये आपका भी क्या होता है यही भोजन को पकड़ता है और पकड़ने के बाद जब आपका भोज पदार्थ एक आपका रिक्तिका में बंद हो जाता है तो वही रिक्तिका क्या होता है अमीबा का आमाशय कहलाता है, अर्थात वहां पर आमाशय में पहुंच जाएगा। अब क्या होता है कि पाचन प्रक्रिया जैसे अमीबा के आमाशय में भोज पदार्थ पहुंचता है वो आमाशय की दीवार से उसमें पाचक रस सिक्रीट होते हैं, पाचक रस निकलेंगे और वही पाचक रस फिर जाकर के इनमें जो आपका उपस्थित भोज पदार्थ होते हैं उनके मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे। अब मॉलिक्यूल जो आपका टूट जाएगा तब जाकर के उनके बॉडी में ये आपका विसरित होकर के अवशोषित हो जाता है। अब यह अवशोषित हो जाता है यहां पर एक खास विशेषता आपको देखने को मिलेगी, यहां पर रिक्तिका वगैरह सब आपका डिसअपियर, जो आपकी खाद धानी है वो सब आपकी गायब हो जाती है, अनुपस्थित हो जाती है।
और स्वांगीकरण प्रक्रिया में आप यहां पर देखेंगे कि जो हमारा ये विसरित अपचित जो विसरित पचित भोज पदार्थ होता है, ये आपका विसरित पचित भोज पदार्थ ये अमीबा की कोशिका में जाकर के मिल जाता है। अब वो अमीबा की कोशिका में मिलेगा तो वहां पर क्या रहेगा आपका कोषाद्रव्य, उसी कोषाद्रव्य में विलीन हो जाता है। तो जो हमारा ये इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि जो अवशोषित भोज्य पदार्थ होता है, ये अवशोषित भोज्य पदार्थ जब अमीबा के कोषाद्रव्य में विलीन हो जाता है तो उसी प्रक्रिया को नाम देते हैं स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण प्रक्रिया में स्पेशली हमने बताया कि ये जो आपका यहां पर भोजन होता है इसे ऊर्जा देता है ना, साथ साथ क्या काम करेगा, इनको इनकी साइज में बढ़ोतरी करेगा अर्थात इनका वृद्धि विकास होगा, और जो इनके अंदर टूटी फूटी भाग होते हैं उनकी मरम्मत करता है। बचा लास्ट में जो बेकार किसी काम का इसके बॉडी में नहीं है उसी को ये क्या करता है बाहर की ओर रिमूव कर देता है। तो इसमें आप ये डिफाइन कर सकते हैं आसानी से कि अपचित भोज पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका बहिक्षेपण या माल परित्याग कहते हैं। लेकिन यहां एक बात है, आप ख्याल करेंगे स्पेशली कि यहां पर इसके पास कोई गूदा मल निकालने कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती है, ये सडनली आपका टूटेगा और टूटने के बाद बेकार पदार्थ को जल में निकाल देगा, फिर जाकर के धीरे से आपका जुड़ जाता है। अब जुड़ेगा क्यों, क्योंकि उसमें पुनरुद्भवन की क्षमताएं होती हैं जिसकी वजह से जाकर के धीरे आपका क्या होता है बाद में जुड़ जाएगा, फिर यही प्रक्रिया आपका अमीबा में चलता रहता है। तो ये सारी बातें हमने यहां पर डिस्कस किया, ये अमीबा में पोषण के सारे फिगर आपके सामने हैं, इस फिगर के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। और इसमें जो आपका अमीबा के पोषण है, इस अमीबा के पोषण को पढ़ने से पहले हमने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा अमीबा के बारे में रिव्यू दिया था, अमीबा की खोज, अमीबा का सेफ साइज, उसे अमरता का वरदान क्यों प्राप्त है, इन सारी चीजों को वहां पर पढ़ने के लिए आप पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे, क्लियर। तो आज का ये हमारा इतना टॉपिक है अमीबा में पोषण। नेक्स्ट वीडियो हम आपसे मिलेंगे तो मानव में पोषण कैसे होता है, मानव में पोषण किस प्रकार से होता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।